अस्सलाम वालेकुम माँ जी कुजीन यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व बारिक सलीम। आज माँ जी कुजीन में हम बना रहे हैं मिसी रोटी। मिसी रोटी पंजाब की बड़ी मशहूर डिश है, गर्मियों में तकरीबन हर घर में बनती है या बनाए दोपहर को बनाए, बहुत मजा आता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन 2 बड़े कप लिए उसके बेसन के और 2 कप ही मैंने बड़े कप लिए हैं रेगुलर जो आटा गंदम का होता है। इसके साथ मैंने 1 लिया ऑनियन, इसको मैंने चॉप कर लिया रफली। इसके साथ मैंने क्या लिया है, मैंने 1 प्याली धनिया की ली है, 1 प्याली ही मैंने पुदीने की ली है। इनको मैंने अच्छी तरह से ब्रीक ब्रीक कटिंग इनकी कर ली है, पुदीने की भी और उसके साथ हरी मिर्चों की भी। ये बहुत ही लजीज बनती है, दोपहर में आप इसे बनाए, साथ इसके लस्सी बनाए, आम का मुरब्बा लें या मैंगो लें, इंशाल्लाह ताला आपको मजा आ जाएगा। इसके साथ मैंने 2 बड़े टेबलस्पून मैंने योगर्ट लिया, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। चीजों को बहुत अच्छी तरह साफ किया करें क्योंकि एक दाने में शिफा होती है। उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी के लिए, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। दही से हमारी रोटी फ्लफी फ्लफी बनेगी और ये घी जो मैंने डाला है इससे ये क्रिस्पी बनेगी। इसके साथ और क्या चाहिए, ये मैंने इसके साथ 1 टेबलस्पून नमक, चिली फ्लेक्स, सूखा धनिया, सफेद जीरा, थोड़ी सी सुरख मिर्च, हल्दी, वो चाट मसाला, अनारदाना और अजवाइन, इन सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको पहले अच्छी तरह से हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसे गूंद लेना है। इसको मैं थोड़ी देर सेट करने के लिए रख दूंगी, उसके बाद माशाल्लाह इसकी रोटियां बनाएंगे। ये बहुत लजीज बनती है और बहुत ही जबरदस्त पंजाब की एक मशहूर डिश है। इसको मिक्स कर ले फिर मैं इसे गूंद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आटे को मैंने अच्छी तरह गूंद के आटे की मैंने स्टे दिया, उसके बाद मैं इसके पेड़े बना लिए। अब मैं इसकी रोटी बनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसे माशाल्लाह लस्सी बनाए उसके साथ खाएं, मैंगो के साथ खाएं, ये माशाल्लाह हमारे पंजाब की बड़ी ट्रेडिशनल है। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो अलग आके आटे को भी अलग गूंद लें और बेसन को भी अलग, वैसे भी बनाया जा सकता है और तनूर के ऊपर भी, लेकिन ये घर में चूंकि हाइजेनिकल बनती है, ये बड़ी हेल्दी रोटी है, तो इंशाल्लाह आप इसे बनाए आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, माशाल्लाह से हमारी मिसी रोटियां फर्स्ट क्लास तैयार हो चुकी हैं। इससे मैंने मक्खन के साथ सर्व किया है, साथ मैंगो की चटनी है, मैंगो का मुरब्बा है और पुदीने की चटनी है, साथ ये कच्ची लस्सी है। पंजाब का ये कल्चर है, जब छुट्टी का दिन होता है तो हमारे घरों में माशाल्लाह जब फैमिली इकट्ठी होती है जो मनाई जाती है। आपने क्या करना है, आपने अपनी जबानों को अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से ताज़ा रखा करें और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम की कसर किया करें ताकि हमारी जिंदगी में बहारें ही बहारें आ जाए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल माजी कुजीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह ताला इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तो मैं आपको बताना भूल गई थी, ये डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं, जो अल्लाह रहम करे शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए रोटी बड़ी अक्सर है, वो ये खाएं तो अल्लाह ताला उनको शिफा देता है, क्योंकि बेसन है, बेसन के लिए बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।